तो इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल आम बातें को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना होगा इस तरह से, फिर आपके पास बेल आइकन आ जाएगा। इस बेल आइकन को आप क्लिक कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन आना हमारा चालू हो जाए और जितना भी हम नए वीडियो डालें आपको इसका। तो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आम बातें। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट फूड वाराणसी के बारे में फिर से, और आज हम बात करेंगे सैंडविच, जो कि मुंबई के स्टाइल में सैंडविच बनाते हैं ये, और काफ़ी दिनों से ये लगा रहे हैं तो हमने इनको देखा है, तो आज हम इसका खाने का लुत्फ उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनाते हैं और कब से इनका यहाँ पे दुकान है, चलिए देखते हैं। तो ये इनकी एक छोटा सा ये स्टॉल लगाते हैं अपना नाटीमली चौराहे पे, आप देख सकते हैं एसेट सैंडविच के नाम से है इनका। तो आइए देखते हैं ये क्या क्या बनाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुनील। अच्छा, सुनील नाम है आपका। सुनील, क्या क्या बनाते हैं सैंडविच में? एक सादा सैंडविच है, मसाला चीज टोस्ट है, मसाला सैंडविच है, चिल्ली चीज है, पनीर चीज है। अच्छा अच्छा, तो मतलब तीन चार तरीके के आप सैंडविच जो है बनाते हैं? ग्रिल सैंडविच है। अच्छा, काफ़ी सैंडविच बना रहे हैं, तो एक दो सैंडविच हम ट्राई करेंगे आपका। तो अभी जो नॉर्मल सैंडविच है उसका क्या प्राइस है आपके यहाँ, क्या रेट है? नॉर्मल सैंडविच का 20 रुपये। अच्छा, 20 रुपये आपका नॉर्मल का। तो नॉर्मल कैसे बनाते हैं ज़रा कुछ दिखाएंगे हमें आप? दोस्तों, ये नॉर्मल सैंडविच हम लोग देख रहे हैं कैसे ये बना रहे हैं, जरा बताते हुए ये क्या क्या लगा रहे हैं। आलू का मसाला लगाएंगे पहले। अच्छा, पहले आपने चटनी लगाया है? पहले मक्खन लगाया है, चटनी। अच्छा, फिर आलू का मसाला लगाते हैं। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद शिमला मिर्च। अच्छा, फिर प्याज। अच्छा, फिर प्याज लगा रहे हैं। तो आपकी दुकान यहाँ कितने सालों से भैया? 6 साल से। इसके पहले आप कहाँ पे लगाते थे? बॉम्बे में कहाँ लगाते थे? भाईंदर। क्या भाईंदर में लगाते थे? तो आप जो है बनारसियों को बम्बई का स्वाद दे रहे हैं जी। चलिए, हम देख रहे हैं अभी खीरा वगैरह ये लगा रहे हैं भैया। टमाटर डालेंगे। अच्छा, उसके बाद नमक डालते हैं। नमक लगा रहे हैं, फिर मटर चटनी लगा के इसको डाल देंगे। ये सादा सैंडविच है। अच्छा, ये सादा आपका सैंडविच है। चलिए ठीक है। तो और जो चीज़ वाला बना रहे हैं वो चीज़ वाला बनाइए, हम लोग खाए जाए उसे। चीज़ वाला इसी में चीज़ लग जाएगा। हाँ, इसमें चीज़ लगाइए। तो हम लोग चीज़ सैंडविच खाएँगे, तो अब चीज़ सैंडविच देखते हैं ये कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। तो उन्होंने एक चीज़ का स्लाइस लिया है और उसको शायद ये लगाएंगे उसमें। अच्छा, चलिए ठीक है, चीज़ सैंडविच बनाइए, खाइए। दोस्तों, ये भरत मिलाप मैदान के ठीक बगल में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भरत मिलाप मैदान जो है यहाँ पे सामने है, सामने भरत मिलाप मैदानी है, और ये नाटीमली का चौराहा है, यहीं इसके पास में ये सैंडविच लगाते हैं ये भैया। और देख सकते हैं आप पूरा, इनके यहाँ भीड़ काफ़ी होती है, और सब लोग ये लोग खाने वाले ही हैं। चाचा जी आए हुए हैं खाने के लिए। हमारा टोटो भी दिखा दीजिए। हाँ, इनका टोटो भी देख लीजिए आप। ये सब बनारसियों का अंदाज है बात करने का, हम लोग बनारसी हैं भाई। चलिए देखते हैं, ये मक्खन लगाया इन्होंने और ये इसमें डाल दिया इन्होंने। अरे, ये बना रहे हैं ये। टाइमिंग क्या है भैया? टाइमिंग समय कितने बजे लगाते हैं? लगाते कितने बजे? कितने बजे? 3 बजे से 9 बजे। 3 बजे से 9 बजे तक लगाते हैं। तो संडे भी लगाते हैं कि संडे भी लगाते हैं आप? अच्छा,
अच्छा, तो औसतन कितना लोग आते हैं पर डे आपके यहाँ? अच्छा, 100-150 लोग आते हैं आपके यहाँ। नहीं, बहुत बढ़िया है। तो ये सब तो खुद ही घर पे बनाते होंगे? हाँ, सब घर पे बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें बम्बई और यहाँ के सेटवी में क्या अंतर है? ब्रेड जो बम्बई ब्रेड थोड़ा अलग है, ब्रेड का अंतर है थोड़ा, ब्रेड का अंतर है। अच्छा, और बकिया सब उसी तरह? सब हम लोग बम्बई का सैंडविच खा रहे हैं। चलिए ट्राई करते हैं यहाँ का सैंडविच भी। इनका सैंडविच जो है तैयार हो गया है, चीज वाला चीज सैंडविच इनका तैयार है। उन्होंने ग्रीन चटनी और सॉस दिया है हमें खाने के लिए। तो आइए थोड़ा सा एक स्लाइस खाते हैं, फिर ट्राई करते हैं कैसा है। बहुत ही बढ़िया इन्होंने बनाया है सैंडविच, एकदम बॉम्बे के स्टाइल का ही सैंडविच है ये। तो सैंडविच तो इनका काफ़ी अच्छा है, तो आप जो है बनारस का मज़ा लीजिए अगर कभी यहाँ नाटिमली आ रहे हैं। और ये लोहरा बीच चौराहे के आसपास में ही है नाटिमली जो है, तो यहाँ पे आइए और खाने का एंजॉय करिए सैंडविच का। थैंक यू वेरी मच।